हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल न्यू ट्रेंड्स विद सोनम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑर्गेन्जा साड़ियों का कलेक्शन। आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि ऑर्गेन्जा साड़ी जो होती है थोड़ी सी थिन कपड़े की होती है, थिन मटेरियल की होती है, पतले मटेरियल की होती हैं, जिससे इनको पहनने में बहुत अच्छा लगता है और इवन ये बहुत अच्छा लुक देती हैं, बहुत ही क्लासी लुक देती हैं। और ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये साड़ियाँ अगर आप शादियों में पहन कर जाएंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे, पार्टी में पहन के जाएंगे तो पार्टी में कितने सुंदर लगेंगे। ये जो ऑर्गेन्जा साड़ी होती है अभी बहुत फैशन में है, क्योंकि एक तो ये थिन मटेरियल है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इनको जैसी स्टाइल में पहनना चाहें उस स्टाइल में पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल फैशन है कि लोग साड़ी को सिंपल तरीके से ना पहनकर थोड़ा सा स्टाइलिश लुक में पहनते हैं। तो ये साड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे चाहे वैसे पहन सकते हैं। और थिन मटेरियल होने की वजह से ये जो नेट का जो लुक होता था ये उस टाइप का लुक देती हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगती हैं पहनने में। और नेट की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती हैं, तो बहुत अच्छा प्यारी लगती हैं जब आप इनको पहनते हैं। और मैं आज जो आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो सारी साड़ियाँ मैंने ली हुई हैं ये मंत्रा से ली हुई हैं, MYNTRA मंत्रा डालकर आप ये सारी साड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। और ये जो साड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 1000 से लेकर 1500 तक की सारी साड़ियाँ हैं, तो आप जो चाहें वो परचेस कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही खूबसूरत हैं, ब्राइट कलर्स में और खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए ब्लैक कलर की साड़ी और कितनी सॉफ्ट है, कितनी खूबसूरत लग रही है। रेड कलर की प्रिंटेड साड़ी, ये ऑर्गेन्जा साड़ियों का जो कलेक्शन लाई थी मैं आपको प्रिंटेड लाई थी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो की लिंक है, वो भी ज़रूर देखें।